हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव की मुरसलीन अहमद की एक 15 और एक 13 वर्षीय पुत्री रहस्यमयी बीमारी से ग्रसित है। दोनों बच्चियों के हाथ और पैर मुड़ गए हैं, जिसके चलते वह चलने फिरने की भी मोहताज हो गई। परिवार ने कई चिकित्सकों की सलाह ली, लेकिन बच्चियों को किसी भी तरह की रिलीफ नहीं मिली। मुरसलीन का कहना है कि बीमारी उनके बच्चों को 8 और 9 साल की उम्र के बाद लगी है। इससे पहले बच्चे बिल्कुल ठीक थे, बकायदा स्कूल भी जाते थे, लेकिन बीमारी होने के बाद बच्चों की हालत खराब होती जा रही है। मुरसलीन ने रुंधे गले से बताया कि उसका एक बेटा भी था, वह भी इसी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कुछ मदद नहीं मिल पा रही। ऐसे में वह समझ नहीं पा रहा कि वह क्या करे और क्या नहीं। परेशानी होती है, 8-9 साल तक तो ठीक रहते हैं, और उसके बाद में जो परेशानी हो जाती है, और फिर जो है बस ऐसे ही मामला बढ़ता जाता है। और डॉक्टरों ने भी इलाज किया जी, उनके कब्जे में नहीं आ पा रहा जी, कोई समाधान नहीं हो पा रहा जी। और हमारा बेटा भी 16 साल तक बीमारी में रहा जी, उसके बाद एक्सपायर हो गया जी। वो भी उनका भी बीमारी का सही तरीके से उसका पता लगा, जो निगरान भी दिखाया और एम्स में दिखाया जी। अब दोनों बेटियां जी। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।